हेलो एवरीबॉडी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट सिमिलरली विदाउट अ स्ट्रिंग जो ब्लॉक्स कांटेक्ट में थे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर मूव कर रहे थे उनके मोशन को डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं उनको सिंगल ऑब्जेक्ट मान लें, सिंगल बॉडी मान लें और उनके मास को हमने कह दिया कैपिटल एम। अब जो भी नेट फोर्स काम कर रहा है सिस्टम पर से एफ है, तो फोर्स हमारे पास है, मास हमारे पास है, तो अब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हम करेंगे क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे और यहां से हम ए को फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए, दैट इज ए इज एफ बाई एम। अब ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन हमसे पूछा जाए, तो ये बेटर रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में हम टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करें, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहती है, और न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई कर दें एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाते हुए। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस टॉपिक पर। चलिए वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। इस प्रॉब्लम में दो ब्लॉक हमारे पास है M1 और M2 और इन पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है F। दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है। सबसे पहले एक्सेलरेशन तो सिस्टम फाइंड करेंगे क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू ma। इसमें m क्या है, टोटल मास जो कि m1 प्लस m2 है, तो a हमारे पास आ गया F और m1 प्लस m2। अब टेंशन की बात कर लेते हैं। टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक, थोड़ा हैंडी रहता है ऐसे ध्यान रखना, अवे फ्रॉम द ब्लॉक और अलोंग द स्ट्रिंग। तो अगर M1 पे दिखाएंगे तो ये डायरेक्शन होगा हमारा, और इसी तरीके से यदि M2 पर दिखाना है तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, इट इज समवॉट लाइक दिस राइट। तो वैल्यू दोनों का न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल होगा, चाहे तो M1 पर फाइंड करें या M2 पर फाइंड करें, लेकिन बेटर रहता है डायरेक्शन ऑफ मोशन में फाइंड कर लें हम और न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दें। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, पूरा सिस्टम ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इट बेटर कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले लेंगे। M1 पर जो टी एक्ट कर रहा है तो लगा दें इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज ओनली टी और मास कितना है M1। एक ही वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है F और M1 प्लस M2, तो एक ही वैल्यू पुट कर दें तो टेंशन कम्स आउट टू बी M1 F और M1 प्लस M2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में तीन ब्लॉक हमारे पास हैं, जैसे कि डायग्राम में सभी को दिखाई दे रहा है M1 M2 एंड M3, और तीनों एक दूसरे के साथ में स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है जिन पर कि नेट फोर्स काम कर रहा है F। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब ये सिस्टम हमारा ए एक्सेलरेशन से फोर्स की डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें अपन, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एम रहेगा टोटल मास, दैट इज M1 M2 एंड M3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू कितना हुआ, एफ बाई एम। एफ इट्स ओके, दैट इज ए नेट फोर्स। मास की बात करें अपन तो टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया A इक्वल टू F और M1 प्लस M2 प्लस M3। अब स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड कर लेते हैं हम। तो स्ट्रिंग्स में जो टेंशन का डायरेक्शन है वो देख ले पहले एक बार। M2 और M1 को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है हमारे पास में, उसमें सपोज टेंशन जो हमारे पास है उसे हमने T1 कह दिया है। T1 उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, M1 और M2 को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग,
इसी तरीके से यदि M1 पर दिखाना है तो away from M1 and along the string और third loss से दोनों की value equal होगा, T1 है तो ये भी T1 ही हमारा होगा। इसी तरीके से M2 और M3 को connect करने वाले string में tension को T2 कहते हैं अपन, और direction दिखाएं जैसे M3 पे दिखाना है तो away M3 से दूर की तरफ और string के along तो ये T2 हो गया। इसी तरीके से M2 पर दिखाना है तो away from this M2 and along the string means this way, it's okay। तो अब one by one calculate कर लेते हैं T1 और T2 को। First of all हम से T1 find करना है, तो T1 is only responsible, T1 ही responsible है M2 और M3 को move कराने के लिए। देखिए अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो दिस इज द टी वन। एज फार एज दिस टी टू इज कंसर्न, ये तो भाई इंटरनल फोर्स है ना, तो इनका सम तो जीरो है, तो M2 और M3 को मूव कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, T1। तो थोड़ा सा इजी रहेगा और न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया हमने T1 को कैलकुलेट करने के लिए और न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं अपन, तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस सिस्टम में M क्या है हमारे पास में, M2 plus M3, और ये पूरा सिस्टम इस टोटल सिस्टम का ही पार्ट था जो कि एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इट इज आल्सो मूविंग विद द एक्सेलरेशन द फॉरवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। ए की वैल्यू अभी हमने देखी थी वो पुट करते हैं यहाँ पर, तो T1 हमारे पास आ गया। T1 क्या है यहाँ पर, टेंशन बिटवीन M1 and M2 is a string man. That is M2 plus M3 F divided by the total mass of the system. और वो क्या है M1 plus M2 plus M3। अब हम T2 को calculate करेंगे। दोबारा ये second law लगाएंगे। तो इस T2 के लिए यदि हम देखना चाहें, तो ये हम ले लें free body diagram इतना। और हम बस एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन में फाइंड कर रहे हैं। देखिए सिस्टम हमारा इधर इस तरफ जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये T2 चाहे तो हम इस T2 से ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में कैलकुलेट करें। तो ये फिर वो डायग्राम ले लेते हैं, ये रही हमने अलग से सिस्टम का पार्ट है, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लगा दें न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इस पर जो भी काम कर रहा है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, इस पे फोर्स कितना है T2, मास कितना है इसका M3, और दिस इज A, A तो पूरे सिस्टम का है, वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ गया T2 इक्वल टू M3 F डिवाइडेड बाय टोटल मास, और टोटल मास क्या है हमारे पास M1 plus M2 plus M3। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं फेमस बुक एस सी वर्मा की एक्सरसाइज से, 24th प्रॉब्लम है उसमें। Find acceleration and the force exerted by the 20 cm part of the rod on the 10 cm part. Means एक रॉड है हमारे पास जिसकी की टोटल लेंथ जो है वो 30 cm है, 30 cm, तो उसकी 10 cm पार्ट और 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बीच में जो फोर्स है उसको हम एज ए टेंशन फोर्स ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो टेंशन भी यदि हमें फाइंड करना है तो पहले तो सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। अब ये ऑब्वियस है थोड़ा सा कि 32 न्यूटन लार्जर है 20 न्यूटन के कंपेयर में, तो अनडाउटली हमारा सिस्टम है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेगा सपोज ए एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन ए फाइंड कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करके। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या होगा सिस्टम का टोटल मास, तो ए मेरे पास है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। नेट फोर्स 32 माइनस 20 होना, एफ1 कह दिया मैंने इसको से, दिस इज 32, इसे मैंने एफ2 कह दिया, राइट। तो एफ1 लार्जर है इसलिए मैंने एफ1 माइनस एफ2 का है डिवाइडेड बाय एम1 प्लस एम2, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर दें, F1 32, F2 20 और M1 plus M2 total mass of the rod given है हमारे को, rod का mass कितना है 3 kg, ये total mass हो गया 3, cut कर दे इनको।
तो एसिलेशन ऑफ द सिस्टम मेरे पास में आ गया, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब M1 और M2 के बीच में टेंशन फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमारे प्रॉब्लम के अंदर। एसिलेशन हमारे पास आ गया, तो टेंशन का डायरेक्शन देख लें एक बार। M1 M2 पर जो टेंशन फोर्स लगाएगा, देखिए M2 पर अब मुझे बताना है तो अवे फ्रॉम दिस M2 है ना, अलोंग दिस कनेक्टिंग लाइन कह दें, और इसी तरीके से M2 M1 को पुल करेगा अपनी तरफ दिस वे, लेकिन वैल्यू तो थर्ड लॉ से इक्वली होने वाली है। ठीक है, अब एक फ्री कर लेते हैं क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है तो सिस्टम में से इसको फ्री कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ले लेंगे और टेंशन का डायरेक्शन कोशिश करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन में फाइंड करने के लिए। तो मैंने ये ब्लू ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया। आप देखिए M2 पर लेफ्ट की तरफ 20 न्यूटन काम कर रहा है और राइट की तरफ ग्रीन वाला ब्लॉक इसको पुल कर रहा है टी टेंशन से। लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, और हमने देखा था कि एसिलेशन है लेफ्ट टू राइट, सिस्टम का पार्ट है तो इस और मूवमेंट करेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दें, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एसिलेशन। नेट फोर्स टी ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, माइनस 20। मास कितना है इसका 10 सेंटीमीटर वाले का, टोटल मास कितना था 3, तो वी कैन से कि 10 सेंटीमीटर वाले का मास होगा 1 केजी, तो उसका मास कितना होगा ट्वाइस ऑफ केजी। तो ब्लू ब्लॉक का मास कितना है हमारे पास में यहाँ पर, दिस इज 1 केजी। तो दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय द एसिलेशन, वो तो सिस्टम का एसिलेशन है 4 जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ था। तो टी हमारे पास में आ गया 20, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 20 प्लस 4 24 न्यूटन। तो प्रॉब्लम है हमसे यही पूछा था कि एक ब्लॉक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जिसे हमने टेंशन फोर्स कहकर कैलकुलेट कर ली, इज इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें एक मासिव स्ट्रिंग दी गई है, जनरली स्ट्रिंग को मासलेस लेते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है कि इसका मास है। कई बार स्ट्रिंग की जगह आपको कहा जाएगा कि एक रॉड है और कभी कहा जाएगा कि एक चेन है। अब इसके किसी भी पॉइंट पर यदि मेरे को टेंशन फाइंड करना है तो बेटर है सबसे पहले तो हम एसिलेशन सिस्टम का फाइंड करें, और उसका तरीका यही है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब पूरी स्ट्रिंग का टोटल मास तो गिवन है तो यही एसिलेशन हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। पॉइंट ऑफ एक्शन से एक्स डिस्टेंस पर, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, यहाँ कोई पॉइंट है हमारे पास में, ई प्लस का साइन जो बना दिया हमने, इस पॉइंट पर चाहिए टेंशन। तो टेंशन की डायरेक्शन देखें हम, लेफ्ट वाले पोर्शन पर इस और राइट वाले पोर्शन पर इस और। अब अपने ऊपर है कि कौन सा टी कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू दोनों की इक्वल। कैलकुलेशन थोड़ा इजी होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, नेट फोर्स की डायरेक्शन, तो बेटर है ये टी कैलकुलेट कर ले हम, यानी बैकवर्ड पोर्शन पर जिसका लेंथ कितना है एल माइनस एक्स, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। ये ले लिया, इसके मास को हमने कह दिया है कैपिटल एम, जो कि ए एसिलेशन से लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दें, एफ इक्वल टू एम ए टी एम ए। स्मॉल एम की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि एल लेंथ का मास है कैपिटल एम, तो यूनिट का मास कितना होगा एम बाई एल। तो L माइनस एक्स पोर्शन का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं L माइनस एक्स से, तो स्मॉल m की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था f बाई m। अब m से m को कैंसिल करते हैं यदि हम, तो हमारे पास में टेंशन कितना आ जाएगा L माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई f बाई l, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। इस बार मासिव स्ट्रिंग के साथ में एक ब्लॉक को और कनेक्ट कर दिया है जिसका कि मास है 2m और पूरे सिस्टम पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज कैपिटल F। अब प्रॉब्लम में बीच में कहीं हम टेंशन को फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एसिलेशन फाइंड करना होता है। सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं और वो हमेशा F इक्वल टू एम ए से F डिवाइडेड बाई एम
एम क्या है यहाँ पर? टोटल मास, इट्स ए टोटल मास, ध्यान रहे। तो मेरे सिस्टम में यहाँ टोटल मास क्या होगा? 2m प्लस m, है ना? तो वैल्यू रख दी हमने, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया f डिवाइडेड बाय 3m। यस, अब हमें टेंशन फोर्स चाहिए कि ब्लॉक पर स्ट्रिंग कितना टेंशन एक्ट कर रही है, यानी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो इसका फ्लो डायग्राम ले लेते हैं, अवे फ्रॉम द ब्लॉक एंड अलोंग द स्ट्रिंग। पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दें, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इस ब्लॉक पर टी एक्ट कर रहा है, मास इस पर ये ब्लॉक का कितना है? ट्वाइस ऑफ एम, और ए हमारे पास ये रख दें। अब एम से एम को कैंसिल कर दें, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? ट्वाइस ऑफ एफ बाई थ्री, दैट्स इट। अब इसी प्रॉब्लम में हमसे ये कह दिया जाए कि स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पर टेंशन फाइंड करो, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए दिस इज मिड पॉइंट पी। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि पूरी स्ट्रिंग का मास हमें एम था, तो ये एम बाई टू हो गया, एम बाई टू हो गया, है ना? तो इस पॉइंट पर टेंशन फाइंड करें अवे फ्रॉम दिस पोर्शन और राइट वाले पे देखें, तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन में थोड़ा कैलकुलेशन इजी होती है, तो बार बार हम यही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। अब ये इसका फिलबोर्ड डायग्राम ले लेते हैं, पर दिस वन ई टू एम, और इस पोर्शन का मास कितना होगा? एम बाई टू, है ना? ये हमने फिलबोर्ड डायग्राम ले लिया अलग से। अब ये सिस्टम का पार्ट है, ए एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रहा है, तो लगा दें अपन न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन कितना है? टी वन, मास ब्लॉक का मास 2m, m by 2, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया था, ये 2m प्लस m by 2 5m by 2 हो जाएगा, एक ही वैल्यू ये थी। m से m को कैंसिल कर दें अपन, तो हमारे पास में t1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5f by। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिक्स की वो प्रॉब्लम्स लेंगे जिनमें कि ब्लॉक्स वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।